ये मौर्यतर बिहार में पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने कब शुंग वंश की स्थापना की देवियों और सज्जनों? कब की? 187 से 185 ईसा पूर्व में, ठीक है, 185, ठीक है। धनदेव के अयोध्या लेख में किस वंश से संबंधित जानकारी देखने को मिलती है? तो शुंग वंश के, ठीक है। अयोध्या लेख से किसी जानकारी मिलती है? शुंग का। कहाँ का के गरुड़ स्तंभ लेख से शुंग वंश की जानकारी मिलती है? कहाँ के वैष्णव गरुड़ स्तंभ लेख से? बैसनगर से, वैष्णव ध्यान रखेंगे, बैसनगर, बिल्कुल ठीक है, ओके बैसनगर, ओके ठीक है। मालविकाग्नि मित्तम किसकी रचना है? तो क्या बताएंगे, किसकी कालिदास रचना कालिदास है? कालिदास की रचना है। महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो क्या बताएंगे, पतंजलि पतंजलि सही सही पतंजलि, आंसर ठीक है। निम्न में से है किस रचना में शुंग वंश की जानकारी मिलती है? क्या बताएंगे, वही ये शुंग सब वंश पता की नहीं है रचना पतंजलि किसमें मिलती है? ध्यान रखेंगे, तो 6 का D, बी और सी नहीं दोनों में, ठीक ऐसी में है। अच्छा मतलब मालविका मालविकाग्नि मित्रम में भी है और महाभारत में महाभाष्य भी में भी है, ठीक है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग ने किसके ओके आक्रमण से मगध की रक्षा की? तो क्या बताएं, किसके आक्रमण से मगध की रचना की? यवनों से यवनों बताइए, यवनों के आक्रमण से, यवनों बिल्कुल ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने किनके साथ युद्ध में विजय प्राप्त की? किनके साथ? डी और सी सर ठीक है, ध्यान यवन रखें क्या हो जाएगा, तो ध्यान के रखिएगा, विदर्भ के साथ भी या यवन के साथ भी। पुष्यमित्र साथ शुंग के बाद मगध का शासक कौन बना? उसका यस पुत्र बना, कौन अग्नि था उसका? अग्निमित्र बना था। मालविका के मित्र में अग्निमित्र ना, मालविका और अग्निमित्र का ही प्रेम कहानी है, अग्निमित्र ठीक है। का हाँ अग्निमित्र किन किस नाटक से, मतलब अग्निमित्र निम्न से किसके नाटक का कालिदास नायक था? एक्टर किसके नाटक का था? तो कालिदास के, मालविका के मित्रम का। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? पुत्र, ठीक देवभूति है, देवभूति था, ठीक है। देवभूति की हत्या किसने कर दी? देवभूति ये नागसेन की हत्या किसने कर दी, ठीक है? देवभूति की नागसेन हत्या किसने की? नहीं, वासुदेव। शायद अब वासुदेव नागसेन किस वंश का नींव रखेगा? कण्व वंश का। शुंग शासकों की कर्ण राजधानी वंश कहाँ थी? शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? वल्लभ। पाटलिपुत्र शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? बिल्कुल, पाटलिपुत्र। किसने 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया? किसने कर दिया? शशांक शशांक नहीं, पुष्य में शुंग के ऊपर आरोप लगता है, ठीक है, शशांक ठीक है। पुष्य में शुंग ने कहाँ के स्तूपों का भव्य बनवाया? बोला जाता बनाया भी कहीं के स्तूप को भव्य बनवाया, इसीलिए इस पे आरोप साबित नहीं होता है। बारहूत, बोध गया और सांची। शुंग वंश के शासनकाल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं, दिनार बताइए। इसको बोला जाता था सुवर्ण, बोला जाता था। क्या बोलते थे? सुवर्ण बोलते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शुंग वंश के शासन के काल के तांबे की मुद्रा को क्या कहा जाता था? कसारपन कसारपन, बहुत सुंदर। शुंग वंश के शासनकाल में चांदी की मुद्रा को क्या कहते थे? तो मुद्रा को तो क्या कहते थे उसको? धारण, और मतलब क्या कहते, पुराण बोलते थे, ठीक है। किस पुराण वंश के शासनकाल में भागवत धर्म का उदय हुआ? धारण बिल्कुल, शुंग वंश के शासनकाल में भागवत धर्म का उदय हुआ। शुंग कालीन वास्तुशिल्प उत्कृष्ट नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र से हाँ नहीं, बोध गया से। कहां से? बोध गया से। बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर एक छोटी पसान वेदिका मिले, यह किस काल की है? शुंग वंश के शुंग शुंग की, ठीक है। का शुंग वंश के मगध पे किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कण्व पन्नब शुंग के मगध वंश का। पन्नब किसका? कण्व वंश का। कण्व वंश का वासुदेव संस्थापक कौन था? वासुदेव था। निम्न में से कौन कण्व वंश का शासक नहीं है, बताइए, पूरा आसान ऑप्शन प्रश्न दे है। दीजिए सर निम्न में से कौन सा कण्व वंश का निम्न में से कौन सुशर्मा कण्व वंश का शासक नहीं है? निम्न सुशर्मा से कौन कण्व वंश का शासक नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ठीक है, सुशर्मा सुशर्मा ही होगा, इसमें गलत दिए हुए, वासुदेव आंसर दिया। कण्व वंश का शासक नहीं है, तो कण्व वंश का संस्थापक ही वासुदेव, सुशर्मा होगा। सुशर्मा किस वंश का था? सुशर्मा किसका था? सातवाहन हाँ, सातवाहना का था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक सातवाहन है। नहीं, नहीं सुशर्मा कण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था ना, सुशर्मा की हाँ हत्या अंतिम सिमुक ने की थी, गलत हो गया। इसका हाँ तो आंसर क्या होगा? तो भूमि किन्नी मित्र कौन सुशर्मा भूमि तो था, ठीक। मित्र सर देखना पड़ेगा, ये प्रश्न गलत लग रहा है, ठीक है। वासुदेव सही है, सुशर्मा भी होगा कण वंश का, ठीक है। अभी नारायण और इसमें होगा, ठीक है, कोई आंसर होगा इसी दोनों में से, ठीक। कण वंश का आखिरी शासक की बात करें, यह पर सुशर्मा था। और हाँ सुशर्मा का सुशर्मा हत्या किसने करा? सिमुक कर देता है और सातवाहना की सिमुक नींव कर डालता देता है। कण वंश का शासन हाँ कब से कब तक रहा था? 185 से
कर्म का ना, वो तो सुंग का था ना, कब से कब तक रहा कर्म का बताइए तो। यह आपका पचहत्तर से रहा तीस पचहत्तर ईसा पूर्व, से तीस 30 ईसा पूर्व तक, ठीक ईसा है। पूर्व कुषाण वंश की स्थापना किसने की, कुषाण की कनिष्क, स्थापना, कनिष्क ठीक है। नहीं कुजुल नहीं कटफिसस ने, यार कनिष्क उसका कुजुल पॉपुलर कटफिसस, शासक था। कुषाण हाँ पॉपुलर था वंश का वो, सबसे शासक कौन था, अब आएगा कनिष्क आ जाएगा, ठीक है। कनिष्क कनिष्क शासक कब बना, 78 ईस्वी। 78 में, ठीक है। निम्न में से कौन, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर, पुरुषपुर उरुसपुर थी, जिसको पेशावर के नाम से भी जानते थे। क्या जानते थे, पेशावर, पेशावर के नाम से भी जानते थे, ठीक है। कनिष्क अपने क्षेत्र के विस्तार के क्रम में कहाँ तक जीत हासिल की, क्या बताएंगे, मगध। मगध कनिष्क किस बौद्ध विद्वान को अपने साथ ले गया, ले गया किसे ले गया, बुध अशोक उसको, अश्वघोष को, ठीक है। ये मतलब यहाँ अश्वघोष को, ठीक है, ध्यान, अश्वघोष को, ठीक है। कुषाण के पतन के बाद मगध पे किसने शासन किया, कुषाणों के बाद, लिच्छवी है जो लिच्छवियों ने, किसने किया, लिच्छवियों ने, लिच्छवी ठीक है। गुप्तकालीन बिहार चलेंगे, ठीक है। 10 सदी के प्रारंभ में गुप्त वंश की स्थापना के साथ ही मगध ने अपनी ख्याति अर्जित कर ली, तो क्या बताएंगे, चतुर्थ में, कब की थी, चतुर्थ ने, ठीक है। प्रारंभिक गुप्त शासकों की राजधानी कहाँ पे थी, तो क्या बताएंगे, पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र। में, कहाँ पे थी, पाटलिपुत्र ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन गुप्त, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का संस्थापक था, तो क्या बताएंगे, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, श्री गुप्त श्रीगुप्त ने, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई, तो क्या बताएंगे, 240 में, ठीक है, सौ ध्यान चालीस रखेंगे। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम का पिता था, चंद्रगुप्त प्रथम का पिता कौन था, श्रीगुप्त ध्यान रखें, कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम का पिता, घटोत्कच नाम था, क्या नाम था उसका, घटोत्कच, घटोत्कच, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, फिर अरे चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, सदा और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक सदा है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक। चंद्रगुप्त प्रथम शासक कब से कब तक रहा, 322 से 335, बताइए, ठीक है। 319 से रहा, तीन 319 में बनता है, कब बनता है, नहीं, 319 में, सौ 7 का, 319, ठीक है। कब गुप्त बाईस वंश, गुप्त संवत प्रारंभ कब हुआ, जिस साल ये शासक बनेगा उसी साल, ठीक है, 319 में, ठीक है। कहीं से पे चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की, महाधीरा हेलो, धीराज, कौन सी उपाधि धारण की चंद्रगुप्त प्रथम ने, महाधीरा महाराजा धीराज की, ठीक महाराज है। अजय चंद्रगुप्त प्रथम के बाद, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त समुद्र पूरा, समुद्रगुप्त के बाद, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। 12 के आंसर बताएं, समुद्रगुप्त का चंद्रगुप्त शासन कब से कब तक रहा, 335 335 से तीन लेकर 375 सौ तक, ठीक पैंतीस है। तक 335। आगे चलेंगे तो क्या है, आगे चलेंगे, निम्न में से किस गुप्त शासक की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की, ठीक है। निम्न से समुद्रगुप्त, किसे भारत का नेपोलियन कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को समुद्रगुप्त, कहते हैं। निम्न में से किस गुप्त शासक ने सप्त गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में शासकों को पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया, क्या बताएंगे, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त, ने, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त ने किसे पराजित कर दिया, तो क्या बताएंगे, दिया कर शकों कुषाण के दोनों उपलक्ष, को, शक को कुषाण और और कुषाण को, सबको, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। समुद्रगुप्त का चंद्रगुप्त उत्तराधिकारी कौन हुआ, द्वितीय, 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 बिल्कुल, चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्न से किस राज्य को चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीता, सौराष्ट्र और सौराष्ट्र मालवा, सौराष्ट्र और मालवा मालवा को जीत सौराष्ट्र लिया दोनों, था, ठीक है। निम्न से किस गुप्त शासक के शासनकाल में स्वर्ण युग कहा जाता है, ध्यान चंद्रगुप्त द्वितीय को, में क्या हो जाए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गोल्डन पीरियड, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी को किन विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा, तो क्या बताएंगे, हुन का आक्रमण, किसका आक्रमण, हुनों का आक्रमण। चंद्रगुप्त उनका द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक चला, तो क्या बताएंगे, 380 से 412, कब से कब तक, 380 से 412, एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ठीक है, चार आप चलेंगे, ठीक है। किस हुन शासक ने पाटलिपुत्र पे चढ़ाई कर दी थी, क्या बताएं, किसने की, मेहर को मिहिरकुल ने, ठीक है, शक्तिशाली था यह मिहिरकुल, मिहिरकुल ने किस गुप्त शासक को पराजित कर दिया, तो क्या बताएंगे, नरसिंह गुप्त बालादित्य को पराजित किया था, ठीक है, नरसिंह छठ, हाँ, ठीक है, नरसिंह गुप्त बालादित्य को, 6वीं शताब्दी ईसा बल पूर्व के मध्य डैश के क्षेत्र पर परवर्ती गुप्त शासकों का नियंत्रण था, तो क्या बताएंगे, मगध, बहुत मगध सुंदर, क्या बताएंगे, तो ध्यान रखें, मगध, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पे, ठीक है, किस वंश की सत्ता परवर्ती गुप्त शासकों के समय स्थापित हो गई थी, तो क्या बताएंगे, मौखरी, मौखरी का, बिल्कुल, मौखरी, ठीक है, इसको परवर्ती गुप्त में मौखरी को रखा जाता है, ठीक है। निम्न से कौन गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान था, क्या बताएंगे, किंग,
सारवी थे, बारह मिहिर, ब्रह्मगुप्त और मतलब आर्यभट्ट भी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया, मतलब किस वंश के शासकों ने किया? गुप्त पाल, बिल्कुल गुप्त, नहीं, विक्रमशिला का पाल। ठीक है, ये क्या है, नालंदा है, गुप्त हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा महाविहार का संस्थापक कौन था? कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त। ठीक है, किसके शासनकाल में फाहियान भारत आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं। फाहियान किस देश से यात्रा, किस देश का यात्री था? चीन का। बिल्कुल, कहाँ का था? तो चीन के था। 3 साल तक फाहियान कहाँ रहा था, तो क्या बताएंगे? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में रहा था, बिल्कुल। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलें। किस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार का अवशेष है, तो क्या बताएंगे? गुप्त, गुप्त वंश का। गुप्त गुप्त में शाहबाद क्षेत्र से प्राप्त अभिलेखों में किन शासकों की जानकारी मिलती है, तो क्या बताएंगे? परवर्ती गुप्त। ठीक है, परवर्ती गुप्त। ठीक है, परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो क्या बताएंगे? कृष्णगुप्त। ठीक है, ध्यान रखें, कृष्णगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृष्णगुप्त हो जाएगा। किस पर्वती गुप्त शासन ने मौखरी वंश को पराजित किया, तो क्या बताएंगे? कुमार गुप्त तृतीय ने, कुमार गुप्त तृतीय ने किया था। कुमार गुप्त तृतीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो क्या बताएंगे? दामोदर गुप्त हुआ। कौन? दामोदर गुप्त हुआ। ठीक है, किस पर्वती गुप्त शासक ने मौखरी शासकों को पराजित करके मगध पे अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया, क्या बताएंगे? दामोदर गुप्त। ठीक है, दामोदर गुप्त ने। ठीक है, शशांक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, क्या बताएंगे? मगध पे। ठीक है, मगध पे आक्रमण किया था। ठीक है, निम्न से किस शासक ने बौद्ध धार्मिक स्थलों को बुरी तरह से नष्ट कर दिया, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर को भी, महाबोधि वृक्ष को भी क्षति पहुंचाई, शशांक ने कटवा दिया था। देवगुप्त ने किसके साथ, देवगुप्त ने किसके साथ समझौता करके कन्नौज के, ठीक है, मौखरी शासक को पराजित किया, तो क्या बताएंगे? शशांक, शशांक। ठीक है, शशांक। हाँ, देवगुप्त ने किस मौखरी शासक को पराजित किया था, क्या बताएंगे? देवगुप्त ने किस मौखरी शासक को पराजित किया था? ठीक है, गृह बर्मन को, इसीलिए इसकी हत्या हो जाता है। ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्न से किस देवगुप्त को पराजित करके उसका वध कर दिया, देवगुप्त को पराजित करके वध किसने किया? ठीक है, राजवर्धन ने। फिर राजवर्धन की भी हत्या हो जाएगी। पर्वती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? क्या बताएंगे? जीवित गुप्त था। ठीक है, ह्वेनसांग भारत कब आया? 325 635 लिया है इसका, 635। ह्वेनसांग भारत का देखना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन, ठीक है, किसके शासनकाल? 45 था आई थिंक। हाँ, गलत है ये, लुसेंट तो वही तो कर रहा है। हाँ, ये गलत होना चाहिए इसका। 29 दिया हुआ, वही होगा, 15 वर्ष तक रहता है। 45। ठीक है, ठीक है, इसका 630 होगा। ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है, 629 मार सकते हैं। अब हम लोग कल जो पढ़ेंगे, हम लोग का क्या होगा, मध्यकालीन शुरू होगा। ठीक है, हम लोग का क्या होगा, मध्यकाल शुरू होगा। मध्यकाल में कितने क्वेश्चन है? बहुत सारे हैं, कल देखेंगे। मध्यकाल का जितना हो सके, आधा घंटा तो प्रतिदिन करना ही है, तो मध्यकाल कल से हमारा मेनली मध्यकाल शुरू होगा। ठीक है, आपका प्राचीन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अभी 3-4 दिन ही पहले, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2-3 महीना में समाप्त हो जाएगा ये किताब। ठीक है, काफी बार रिपीट करेंगे इसको, इसका नया वाला वर्जन भी देखता हूँ। ठीक है, कब का वर्जन है पता नहीं चलता, लेकिन ऑब्जेक्टिव किताब तो एगो चाहिए ही कम से कम।